Hello children, welcome to my maths class. Okay, today we are going to continue with exercise 5.6. Okay, so we are going to see question number 9. Okay, so find the quotient and remainder in each case. Okay, and verify the answer. What we have to do, हमने पहले जो exercises में किया था, that is this exercise 5.6 में जो पहले 4 sums किया था, जो भी जितनी भी सम्स किया था उसमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वी फॉर्म. ओके, सेम वे वी आर गोइंग टू डू. ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, वी हैव टू वेरीफाई द आंसर. हमने जो डिविजन किया है वो सही है गलत है. ओके, वी हैव टू चेक दैट. सो उसी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला है, सो आई विल टीच दैट ऑल्सो. ओके ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड दिस. ओके, 220 डिवाइडेड बाई 5. Okay, so do like this. Okay, 220 divided by 5. Okay, so 5 table में 2, मतलब आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, 5 and 2 first digit देख लो. So उसमें 5 बड़ा है and 2 छोटा है. Okay, अगर ये अंदर वाला number छोटा है तो एक और number आप साथ में लेना है आपको. Okay, so 22 आपको लेना है. Okay, 5 4 20, 5 टेबल में 22 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका पहला नंबर क्या आएगा, मतलब जो आसपास में जो कम नंबर है वो लेना है. 5 4 20, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, 2 - 0 विल बी 2, 2 - 2 विल बी 0. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग दिस 0 डाउन. ओके, 0 को नीचे लेके आना है. ओके, सो 0 को नीचे लेके आने के बाद अभी ये आएगा क्या, नहीं 20, यस 5 4 20 माइनस, ओके 0, 0 - 0 विल बी 0, 2 - 2 विल बी 0. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा वाला क्वोशेंट है, डिविडेंड है, डिवाइजर, रिमाइंडर. रिमाइंडर तो इसमें नहीं है, बट जो जो लास्ट वाला जो आंसर है, मतलब ये जो लेफ्ट ओवर है नहीं है तो भी ये, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. ओके, सो फॉर्मूला के लिए हम यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज क्वोशेंट. ओके, एंड दिस इज डिविडेंड. आपको फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए इजी होगा, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इन ईच एंड एवरी टाइम. ओके, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर. रिमाइंडर कुछ है नहीं, 0 है. ओके ओके, सो हमने मेंशन कर लिया है क्वोशेंट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई द आंसर. ये करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे, जस्ट राइट द हेडिंग वेरीफाई. वेरीफाई और चेक, चेक द आंसर भी लिख सकते हैं, वेरीफाई भी लिख सकते हैं. ओके, सो इसके लिए एक फॉर्मूला है. ओके, दिस इज कंटिन्यूएशन, इसके नीचे आपको लिखना है. ओके, यहाँ मतलब नीचे जगह नहीं है तो आपको नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वेरिफिकेशन के लिए, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये फॉर्मूला है. डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड ये है. ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, अगर वेरिफिकेशन के लिए पूछा है तो आपको यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, देन ओनली यू हैव टू कंटिन्यू. ओके, देन ओनली यू कैन वेरीफाई द आंसर. ओके, इसका पूरा लिखने का अगर लिखना है तो लिख सकते, नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं आप. ओके, डिविडेंड का डी लिखूंगी, डी, क्योंकि ये डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में फर्स्ट लेटर डी है, इसलिए तो इसका फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ले लेती हूँ. ओके, डिविडेंड का डी डी इज इक्वल टू
डिवाइजर का डी आर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन का तो क्यू एक ही है तो इसलिए सीधा सिर्फ क्यू लिख सकते हैं, प्लस आर, ओके, डी डी इज इक्वल टू डी आर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके. सो इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर्स है वो आपको अप्लाई करना है इसमें, ओके. सो डिविडेंड, इसमें डिविडेंड क्या है, इधर डिविडेंड इज 220, उस जगह पे आपको लिखना है 220 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 5, हमने मेंशन किया है डिवाइजर क्या है, ओके, दिस इज डिवाइजर इज 5, ओके. देन पुट द मल्टीप्लीकेशन साइन, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, वी हैव टू राइट, what is the next number we have to write, we have to write quotient, okay, where is quotient, quotient yahan hai, okay, 44, okay, 44. Next you have to put the addition sign, okay, plus r, r is remainder, remainder kahan hai, remainder is 0, so write 0, no problem, write it as it is, okay, 0 likhna hai, okay. So ye 220 ko aise ki aise le rakhna hai, बाकी आपको क्या करना है, नहीं तो आप वो भी लिख सकते हैं 220 इज इक्वल टू 5 × 44, ओके. ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ आंसर आएगा, ओके. सो यू हैव टू डू द रफ वर्क, ओके, 44 मल्टीप्लाइड बाय 5, उसके लिए रफ वर्क बनाना पड़ेगा, सीधा आप नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगा. सो make rough work for this, okay, do the rough work, 44 multiplied by 5, okay, 5 4s are 20, 2 carry, okay, 5 4s are 20, 20 plus 2 22, so what is the answer, 220, okay, 220, ये जो 44 and 5 को multiply करने के बाद 220 आया है, फिर उसके बाद plus 0 भी है, यस, सो 220 प्लस 0 क्या होगा, ये जो आंसर आया है उसके साथ ही आप ऐड कर सकते हैं, ओके, प्लस 0, ओके, सेम नंबर, क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई और डिविजन करेंगे तभी वो 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो बड़ा नंबर है, जो भी नंबर है वो ही आएगा, 0 नहीं आएगा, ओके. सो 220 प्लस 0, ओके, सो 220 इज इक्वल टू, 220 प्लस 0 क्या है, 220, ओके. सो दोनों आंसर सही है गलत है, 220 एंड 220 दोनों आंसर सही है. सो अगर दोनों आंसर सही है तो हमें क्या करना है, आंसर इज करेक्ट, ओके. लास्ट में लिखना है देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट. अगर ये आंसर, मतलब ये वाला जो आंसर गलत हो जाता है, तो मतलब ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है, तो आपका क्या होगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको उस टाइम यहाँ नहीं लिखना है आंसर इज रॉन्ग, ऐसे करके नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका आंसर गड़बड़ है, तो आपको सब ठीक करके वापस चेक करना पड़ेगा, ओके, ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डी, ओके, बी एंड सी विल बी योर होमवर्क, सो आई एम नॉट गोइंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ओके. सो 2019 डिवाइडेड बाय 8, ओके, यू हैव टू डिवाइड 2019 divided by 8, okay. So first you have to check the first number 2, yahan 2 hai aur yahan 8 hai, so 8 se chota number hai, to 8 se chota number hai to hume nahi lena hai, nahi le sakte, okay. So next number uske sath lena padega, you have to take the next number also, so 2 digit number aapko lena padega, 20, ओके. एक टेबल में 20 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करना है, इससे कम नंबर आप ले सकते हैं, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 24 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं ले सकते हैं, ओके. सो 8 2s are 16,
8 twos are 16. Okay. So now here what we have to do, you have to subtract. Okay. 0 minus 6. 0 minus 6 to nahi hoga. So you have to borrow. Okay. So ye 10 ho jayega aur ye jo 2 hai 1 ho jayega. Kyunki yahi se borrow karke matlab ye dene ke baad hi yahan ye 10 hoga. Okay. Aur okay. So 10 minus 6 will be 10 minus 6 will be 4. Okay. 1 minus 1, 0. Okay. Now you have to bring down which number? The next number, that is 1. Okay. 1 ko niche leke aana hai. Okay. So 1 ko niche leke aane ke baad, kya karna hai? Ye 41 aayega? Isme table mein, 8 table mein nahi aayega. Isse kam number to aayega. ओके सो 8 टेबल में 41 के पहले जो भी नंबर आएगा तब तक आपको बोलना पड़ेगा. ओके सो 8 फाइव्स आर 40, 8 फाइव्स आर 40, 8 सिक्स आर 48 हो जाएगा, बट ये 41 तो कम है, वो नहीं ले सकते हैं. सो 8 फाइव्स आर 40 है, वो ले सकते हैं आप. ओके माइनस 1 माइनस 0 विल बी 1, 4 माइनस 4 विल बी 0. ओके सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू ब्रिंग दिस 9. ओके 9 को नीचे लेके आना है, एक एक नंबर करके नीचे लेके आना है. ओके ओके सो 19, 19 8 टेबल में आएगा नहीं आएगा, उससे कम नंबर तो आएगा. ओके सो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24. 8 टू जा 16 हम ले सकते हैं, 8 टू जा 16 माइनस 9 माइनस 6 विल बी 3. ओके 1 माइनस 1 0. ओके इसके बाद कोई नंबर डिविडेंड में नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. ओके दिस इज द लेफ्ट ओवर. ओके सो दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज कोशेंट. दिस इज डिविडेंड एंड दिस 8 इज डिवाइजर and this 3 is remainder. Okay, so again you have to we have finished this, but we have to verify the answer. Okay, so I have already written the formula. Okay, what is the formula? Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus reminder. Okay, I have written the short form also. आपको जो easy है वो लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखने के भी मतलब पूरा भी लिख सकते हैं आप. Okay, so dividend इसमें क्या है? Dividend is 2019. Okay, ये answer हमें आना चाहिए, ये करने के बाद ये answer आना चाहिए. Okay, and dr is divisor. Where is divisor? Divisor is 8. Okay, multiplied by quotient. What is quotient? 252 plus remainder. Remainder is 3. Okay. Okay. Now we have to do step wise. Ye 2019 likh lo. 2019 is equal to abhi kya karna hai? 8 and 252 ko मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद ही उसके बाद ही हम क्या करेंगे? 3 के साथ ऐड करेंगे. ओके सो डू द रफ वर्क. ओके 252 मल्टीप्लाइड बाय 8. ओके 252 मल्टीप्लाइड बाय 8. 8 टू जा 16. ओके 1 कैरी. नेक्स्ट 8 5s are 40, 40 plus 1, 41. 8 2s are 16, 16 plus 4 will be 20. Okay. So, kya answer hai? Multiply karne ke baad 2016. Ye do number multiply karne ke baad, okay? These two numbers we have multiplied. Abhi ye baaki hai, plus 3 aapko likhna hai, okay? Plus 3. Okay, write each and every step carefully. Okay,
नेक्स्ट यू हैव टू राइट 2019 एज इट इज. ओके, ऐसे के ऐसे ही नीचे लेके आना है. नेक्स्ट 2016 + 3, आपको ये 2016 और प्लस 3 करना है. ओके, सो 6 + 3 = 9. ओके, 1 नीचे कोई और नंबर नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं. 0, 2. सो क्या आंसर है? 2019. सो दोनों सेम आंसर है. सो आंसर इज राइट. ओके, सो लास्ट में लिखना है देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न्ड, वी हैव लर्न्ड how to find the quotient and remainder and how to verify the answer using this formula. Okay, so that's all for today. Please do like and subscribe my channel. Thank you so much.